कश्मीर के पुलवामा में हुए भारतीय जवानों पर हमले से पूरे देश का खून खौल उठा है। पूरा देश एक सुर में 42 जवानों की शहादत का बदला मांग रहा है। मथुरा में शहीद बबलू सिंह के परिजनों ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग की है। शहीद की पत्नी का कहना है कि इस बार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दें। भारत पर हमला करने से पहले पाकिस्तान की रूह कांप जानी चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान की ही भाषा में मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार इस समय बहुत ही गंभीरता में बहुत ही तकलीफ महसूस कर रहे हैं। मैं भी शहीद की पत्नी में समझ सकती हूँ कि उसके घर में क्या बीतती है, उसके परिवार वालों की क्या बीतती है। हमें तसल्ली यह भी मिलेगी जब पाकिस्तान को उसी की भाषा में मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक अगर वो कुछ भी सोचता है या कुछ भी मतलब करने के बारे में कहता है तो उसकी रूह कांप उठे, उसे एहसास हो कि मतलब अगर मैं हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ भी सोच रहा हूँ या करने के बारे में तो उसे डर महसूस हो। ये चाहती हूँ मैं हिंदुस्तान। हमारे वो 44 सैनिक शहीद नहीं हुए बल्कि 44 परिवार शहीद हुए हैं, और 44 परिवार शहीद होने का मतलब कि हमारे पूरे देश पे आत्मघाती हमला है और हमारे जो देश के शहीद हैं उन सबका सब्र का बांध टूट रहा है। सरकार को पाकिस्तान को इस तरीके का जवाब देना चाहिए कि हमारे शहीद सैनिकों के एक एक बूंद का हिसाब उनसे लेना चाहिए, और उनके आतंकवादियों के जो सहयोगी हैं उनसे भी उनका भी हिसाब लेना चाहिए और उनको भी मारना चाहिए, जिससे कि आगे कभी पाकिस्तान को कोई भी हमला करने से पहले